पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवीन वर्षाचं शेतकऱ्यांना गिफ्ट दिलंय. डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020 ह्या कालावधीमध्ये 2000 रुपयांच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा तिसरा हप्ता त्यांनी जाहीर केलाय आणि याचा अंदाजे 6 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी 8 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पीएम किसान अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिली आहेत. नए दशक की शुरुआत हमारे किसान भाई बहनों के दर्शन होना मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा. मैं 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से देश के हर किसान को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से देश के हर किसान को 2020 की नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं. देश के लिए अन्न उपजाने वाले किसानों का आभार व्यक्त करता हूं. ये आप किसानों का ही परिश्रम है जिसकी वजह से आज भारत में अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है. ही यहां तमिलनाडु और कर्नाटका के मछली पालकों को मछुआरों को डीप सी फिशिंग बोट और ट्रांसपॉन्डर दिए गए हैं. इसके लिए मैं अपने सभी मछुआरे साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं. कृषि कर्मण अवार्ड के साथ ही आज कर्नाटका की ये धरती एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की गवाह बनी है. आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ में किसान साथी के खाते में पैसा जमा किया गया है. इतने कम समय में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी बात है. इतना ही नहीं, आज अभी इस कार्यक्रम में ही एक साथ देश के 6 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 12,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं. जब देश में गरीब के लिए 1 रुपया भेजा जाता था तो सिर्फ 15 पैसे पहुंचते थे, बाकी के 85 पैसे बिचौलिए मार जाते थे. आज जितने रुपये दिल्ली से भेजे जा रहे हैं उतने पूरे के पूरे सीधे गरीब के खाते में, किसान के खाते में पहुंच रहे हैं. मैं कर्नाटका सहित देश भर की उन राज्य सरकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जो लाभार्थी किसानों की पहचान का काम तेजी से कर रही है.